पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की एक टिप्पणी के बाद मध्य प्रदेश के सबसे अमीर मंत्री चैतन्य कश्यप उनसे मार्गदर्शन लेने पहुंच गए। उमा भारती ने चैतन्य कश्यप की तारीफ की। चैतन्य कश्यप ने ऐलान किया है कि वे सरकार से कोई वेतन नहीं लेंगे। मोहन यादव सरकार के कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से मुलाकात कर उनसे मार्गदर्शन मांगा। आपको बता दें कि उमा भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हाल ही में मंत्री बने और रतलाम के एक संपन्न जैन व्यवसायी चैतन्य कश्यप ने अपनी संपत्ति 296 करोड़ घोषित की है। वह अपना विधायकी का वेतन नहीं लेते, जो कि साल भर का करीब 12 लाख रुपया होता है। 296 करोड़ वाला व्यक्ति अगर सरकार के 12 लाख छोड़ देता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उमा भारती के ट्वीट के बाद चैतन्य कश्यप ने उमा भारती से मुलाकात की। चैतन्य कश्यप ने कहा कि मैंने उमा भारती से मुलाकात की है, वह हमारी पार्टी की सीनियर नेता है, उनका मार्गदर्शन मैंने लिया। सभी सक्षम लोगों को दान देना चाहिए, ये मेरे दान की प्रतिक्रिया है। जब मीडिया ने उनसे पूछा आप ये पैसा लेकर गरीबों में बांटेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि अभी मैं इस पर विचार विमर्श कर रहा हूँ। वे हमारे वरिष्ठ नेता है और बचपन से ही उनका त्यागमय जीवन रहा है और उनको मैंने जाकर के सारा विषय बताया और वो मुझे लंबे वर्षों से उनका आशीर्वाद मेरे साथ में है और उन्होंने बात के ट्वीट में लिखा भी है और उन्होंने सुझाव दिया है कि आगे से इस पर भी चिंतन होना चाहिए, तो उनके सुझाव पर हम लोग गंभीरता से चिंतन करें। अभी उन्होंने हमारे वरिष्ठ नेता है, उन्होंने जो सुझाव दिया है, परंतु उनके भावना बिल्कुल स्पष्ट थी कि यह कार्य बहुत अच्छा है, परंतु सभी लोगों को तो मैंने उनसे ये कहा कि जो समर्थ लोग हैं और सामर्थ्यवान हैं और कई दान करने के कई तरीके हैं, मुझे ये ठीक लगा, बाकी भी तरीके हैं, व्यक्ति हर अपने अपने स्वभाव से अपनी संवेदनाओं के साथ में दान की वृत्ति की ओर बढ़ना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।